सब्सक्राइब वाइस वर्ड प्रेस गुरु। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल वाइस वर्ड प्रेस गुरु पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू एम्बेड इन्फोलिंक्स एड्स विद वर्डप्रेस साइट एंड ब्लॉग। दोस्तों की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इन्फोलिंक एड्स को जो है वर्डप्रेस ब्लॉग या जो भी साइट आपने बनाई है उसके साथ कैसे एम्बेड करेंगे इन्फोलिंक और अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को कैसे एम्बेड करेंगे कि उसपे साइट्स उस पर जो है एड्स दिखना शुरू हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इन्फोलिंक एड्स को जो है अपने वर्डप्रेस साइट या ब्लॉग के साथ जोड़ सकते हैं और इसके लिए आपको किस किस चीज की जरूरत होगी और किस प्रकार से इसको जोड़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप अपने इन्फोलिंक अकाउंट को अपने वर्डप्रेस ब्लॉग या साइट के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी। तो व्हाट यू नीड टू डू दिस, इस चीज को करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसको करेंगे। दोस्तों, इन्फोलिंक और आपके वर्डप्रेस ब्लॉग के इंटीग्रेशन के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है, थ्री थिंग्स यू नीड टू डू दिस। फर्स्ट, नीड अ इन्फोलिंक अकाउंट। सेकंड, नीड साइट अप्रूवल। थर्ड, वर्डप्रेस ब्लॉग। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग और साइट कुछ भी। ठीक है, तो दोस्तों तीन चीजों की आपको जरूरत है, इन्फोलिंक अकाउंट की और आपके साइट अप्रूवल की, मतलब उसके लिए एड जो प्रोग्राम है आपका वो अप्रूव्ड होना चाहिए, और तीसरा है वर्डप्रेस ब्लॉग की। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि इन्फोलिंक अकाउंट चाहिए, ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, और दूसरा वर्डप्रेस ब्लॉग या साइट जो भी आपकी वो भी चाहिए। बट एक चीज है कि साइट अप्रूवल, जब आप इन्फोलिंक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आपको जो है साइट अप्रूवल के लिए वहां पर मतलब ऑप्शन होता है, तो साइट अप्रूवल के लिए आप साइट भेज सकते हैं उनकी सपोर्ट टीम के पास। ठीक है, उसमें जो भी डिटेल्स वो मांगेंगे वो आपको देनी है और सबमिट करना है, और उसके बाद उनकी भी जो सपोर्ट टीम होगी इन्फोलिंक की वो रिव्यू करेगी, और अगर उसे लगता है कि आपकी साइट अप्रूव कर दी जानी चाहिए तो वो कर देगी। ठीक है, और आपको अप्रूवल मिल जाएगा, और ज्यादातर इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है या फिर दो चार दिन में अप्रूवल मिल जाता है, या आपको पता चल जाएगा कि मेरी साइट अप्रूव हुई या नहीं हुई। ज्यादातर डिसअप्रूव एक ही केस में ज्यादातर इन्फोलिंक वाले करते हैं, यदि उनके पास रेलिवेंट एड कैटेगरी ना हो, जैसे कि सपोज आपकी साइट फैशन पे है और उनके पास फैशन के ऊपर कोई एडवर्टाइजर या मान लीजिए कोई भी मतलब नहीं है, और नेचुरली उसके लिए रेलिवेंट एड्स उनके पास नहीं है, तो वो इसलिए उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, वरना जनरली वो छोटी और बड़ी सभी साइट्स को जो है अप्रूव कर देते हैं। तो तीन चीजों की जरूरत है दोस्तों, सबसे पहले इन्फोलिंक अकाउंट की, उसके बाद उसमें जाकर आपको साइट सबमिट करनी है और उसकी इन्फोलिंक की सपोर्ट टीम जो है उसको रिव्यू करेगी और आपको अप्रूव करेगी। जब आपकी साइट अप्रूव हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपको वर्डप्रेस ब्लॉग की जरूरत है, और ये तीन चीजें होनी चाहिए, इन्फोलिंक अकाउंट और जो भी आपकी साइट है उसको उसका अप्रूवल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, वो अप्रूव होगा, और उसके बाद वर्डप्रेस ब्लॉग, और इसके अलावा आप एक से ज्यादा साइट्स भी अप्रूव करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साइट ही अप्रूव होगी एक अकाउंट में, एक अकाउंट में आप 10 50 जितनी भी साइट्स जो है आपकी छोटी बड़ी उन सबको अप्रूव करा सकते हैं और उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग अलग ब्लॉग के साथ। तो तीन चीजों की जरूरत है दोस्तों, इन्फोलिंक अकाउंट, साइट अप्रूवल एंड वर्डप्रेस ब्लॉग या साइट जो भी है आपकी। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन चीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको जो है अपने इन्फोलिंक अकाउंट में लॉगिन करना है और साथ में जो भी आपका वर्डप्रेस ब्लॉग या साइट है उसको ओपन करके उसके एडमिन एरिया में लॉगिन करना है। तो आपको इन्फोलिंक के एडमिन एरिया में लॉगिन करना है और साथ में वर्डप्रेस ब्लॉग या साइट जो भी है आपकी उसके एडमिन एरिया में लॉगिन करना है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मेरा इन्फोलिंक अकाउंट है वो ऑलरेडी लॉगिन है, और अगर आपका इन्फोलिंक अकाउंट है तो उसमें आपको यूजर पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है, और मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, और इसके अलावा जो आपकी वर्डप्रेस साइट या ब्लॉग है, जैसे कि मेरा ये ब्लॉग है तो इसको ओपन किया है, और इसके साथ ही इसके एडमिन एरिया में भी मैंने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है आपके इन्फोलिंक अकाउंट के
में लॉग इन करके उसका एडमिन एरिया ओपन करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको वर्डप्रेस ब्लॉग जो भी या साइट जो भी है आपकी, उसके एडमिन एरिया में लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इंटीग्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो है इन्फोलिंक अकाउंट में जाना है और यहाँ पे इंटीग्रेट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है और इंटीग्रेशन पेज पे आपको जो है कोड्स मिलेंगे जिनसे जो कि आपको अपनी वेबसाइट में ऐड करने पड़ेंगे। इसके बाद आगे भी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि मतलब कोड को डालने के बाद ही आपका जो है एक्टिवेट हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा आखिर तक बने रहिएगा। और तो सबसे पहले आपको इन्फोलिंक अकाउंट में जाकर इंटीग्रेट में जाकर ये कोर्स लेने हैं। ये कोर्स जो है जावा कोर्स हैं, ये जनरल साइट के लिए हैं। अगर आपकी नॉन वर्डप्रेस साइट है तो भी आप इन कोर्स का इस्तेमाल करके मतलब जो है इन्फोलिंक को इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वर्डप्रेस साइट की बात कर रहे हैं तो हम वर्डप्रेस के बारे में ज्यादा बात करेंगे या वर्डप्रेस ब्लॉग या साइट के बारे में। वैसे यहाँ पे अगर आप ब्लॉगर में भी इन्फोलिंक को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ब्लॉगर में भी कर सकते हैं, ड्रूपल में कर सकते हैं और जुमला में भी कर सकते हैं। इन सब के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन या जो भी कोर्स हैं अवेलेबल हैं, पर हम स्पेशली वर्डप्रेस की इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वर्डप्रेस पर जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन सब के साथ भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या एक स्टैटिक वेबसाइट के या जनरल वेबसाइट के साथ भी ऐड कर सकते हैं अगर वो नॉन वर्डप्रेस भी है, ठीक है, या नॉन सीएमएस साइट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबके कोर्स मिल जाएंगे। हम वर्डप्रेस में जाते हैं क्योंकि हम वर्डप्रेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लगइन मिलेगा जो कि आपको डाउनलोड करना है, या आपको दोस्तों मैनुअली डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में, ठीक है। तो इस पे मैं इस पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और इसको जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब इसके बाद आपको जो है अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में जाना है और इसको मैन्युअली जो है अपने वर्डप्रेस ब्लॉग या साइट जो भी है आपकी उसमें प्लगइन सेक्शन में जाके इसको ऐड करना है, ठीक है। इसमें आपको फाइंड नहीं करना है, ऐड करना है। तो अपलोड प्लगइन, चूज फाइल, ठीक है, और ये रहा आपका प्लगइन, उसको सिलेक्ट किया, ओपन, इंस्टॉल नाउ। ठीक है दोस्तों, अब प्लगइन आपका इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट प्लगइन, ठीक है। तो अब आपका प्लगइन जो है एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पर है, और इसके लिए अब आपको सेटिंग्स में जाके इन्फोलिंक सेटिंग्स में जाना है। यहाँ से आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। लेकिन जब आपने ये प्लगइन डाउनलोड किया है तो उसमें पब्लिशर आईडी आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, ज्यादातर आ जाती है। यदि नहीं आई हो तो आप यहां से अपनी पब्लिशर आईडी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी पब्लिशर आईडी क्या है, ये आपकी पब्लिशर आईडी होगी। तो इस पब्लिशर आईडी को जो है आप यहाँ पर डालकर और इन्फोलिंक इन टेक्स्ट एड्स है इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनेबल इन्फोलिंक्स ऑन पोस्ट, ये तीन चार ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे ये पहला ऑप्शन जो है इन टेक्स्ट एड्स का, ये ऑन कर दिया। इसके बाद पब्लिशर आईडी डाल दी और इसके बाद यहाँ पे अनेबल इन्फो लिंक्स ऑन पोस्ट, ठीक है। बाकी ज्यादा चीजें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वैसे जैसे ही आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं इसमें ऑटोमेटिक ये तीन चार सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट होती हैं। लेकिन अगर बाय द वे प्लगइन डालने के बाद आपको मतलब इन्फो लिंक सेटिंग्स में जाके मतलब जो भी ये प्लगइन की सेटिंग्स है इसमें ये सब नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा मैनुअली इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। पहला ऑप्शन ऑन कर देना है इन टेक्स्ट एड का, और दूसरे में पब्लिशर आईडी डाल देनी है, और तीसरे में अनेबल इन्फो लिंक्स ऑन पोस्ट, ठीक है। ये तीन चीजें करना जरूरी है, बाकी चीजों को ज्यादा जरूरी नहीं है। बाकी ऑप्शंस को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि मतलब इनको ऑन करना है तो कर सकते हैं। लेकिन वैसे जनरली ये तीन ऑप्शन आपको मतलब इनमें जो भी है सेटिंग्स करनी है, और ये बाय डिफॉल्ट भी होती हैं। जैसे कि अभी मैंने सेटिंग्स की नहीं, जैसे मैंने प्लगइन डाला ये बाय डिफॉल्ट इसने पब्लिशर आईडी ले लिया और ये मतलब यहाँ पे दो तीन सेटिंग्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन ही आई। लेकिन अगर ना हो तो मैन्युअली कर लें, वैसे बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी,
यदि आप इन्फोलिंक की साइट से प्लगइन डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका प्लगइन इंस्टॉल, ठीक है, और ये सेटिंग्स हो गई। इसके बाद आपको एक और सेटिंग करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है फिर से प्लगइन सेक्शन में जाना है और एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है। इसका नाम है सिंपल एड एड्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, सिंपल एड्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है, ये बेंस वर्ड ने बनाया है, बेंस वर्ड ने जो बनाया है वो वाला प्लगइन ही आपको लेना है, सिंपल एड्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये आपको सर्च करना है यहाँ पे और इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट। अब दोस्तों ये आपका जो है प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। अब सेटिंग्स में जाके यहाँ पर आपको इसका मतलब जो है एड ये मतलब सेटिंग करनी है। इसमें दोस्तों यहाँ पर अब आपको क्या सेटिंग करनी है, यहाँ पर आपको एक लिस्ट है जो ऐड करनी है, ठीक है, ये लिस्ट आपको जो है आपकी इन्फोलिंक के मतलब जो है अकाउंट में मिलेगी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको जाना है इन्फोलिंक के अकाउंट में और यहाँ पे है एड्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है, यहाँ पर एक लिस्ट है, ठीक है, यहां से लेकर नीचे तक जहां तक ये लिस्ट है ये सारी लिस्ट आपको लेनी है, ठीक है, देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारी लिस्ट जो है जो भी आपके मतलब यहां पर एड्स डॉट टीएक्सटी ऑप्शन होगा यहां पर क्लिक करने के बाद ये लिस्ट आ जाएगी और जो भी लिस्ट होगी वो आपको कॉपी कर लेनी है पूरी की पूरी और इसको यहां पर पेस्ट कर देना है, ठीक है, और इसको सेव कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो है आपका इन्फोलिंक अकाउंट और आपका ब्लॉग जो है इंटीग्रेट हो चुका है, लेकिन अभी जो है आपकी साइट्स साइट में जो है वो एड्स जो है अभी आएंगी नहीं, क्योंकि वो आपको एक स्टेप और है वो इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी या ऑन ऑफ करनी पड़ेंगी आपको, और वो आपके इन्फोलिंक अकाउंट से होंगी। तो जनरली जो है आपका वर्डप्रेस ब्लॉग और इन्फोलिंक अकाउंट जो है वो पूरी तरह जुड़ चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है, लेकिन अब आपको जो है अपनी साइट में एड्स को अपने हिसाब से लगाना है या ऑन ऑफ करना है वो मतलब जो है आपको इन्फोलिंक अकाउंट से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने इंटीग्रेट कर दिया, अब ऑन ऑफ जो भी है एड को या मतलब जो भी उसमें मतलब दिखाने का वाला है फंडा है वो आपको इन्फोलिंक अकाउंट्स में जाके करना पड़ेगा और वो लास्ट स्टेप है इस चीज का, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं हम इन्फोलिंक अकाउंट में और यहाँ पे जाएंगे हम कस्टमाइज में, और कस्टमाइज में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी एक ही साइट होगी, जैसे आपने साइट अप्रूव करा रखी है तो यहाँ पे आएगी वो या इस लिस्ट में आएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने एक से ज्यादा साइट्स पे इन्फोलिंक एड्स लगा रखी हैं तो मेरी एक लिस्ट आ रही है। इसी तरह अगर आपकी ज्यादा साइट्स होंगी तो लिस्ट आएगी और अगर एक होगी तो एक ही साइट आएगी। लेकिन इसमें अब मैं कौन सी साइट पे जो है इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मैं इस साइट पे इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो इसलिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आपकी बड़ी सी लिस्ट है तो आपको उस साइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से जिस पर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं इसके कोड्स को, इन्फोलिंक के कोड्स को, ठीक है। तो जैसे कि ये साइट या ब्लॉग है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मतलब पांच तरह की एड फॉर्मेट्स हैं, इन टेक्स्ट, इन फोल्ड, इन टैग, इन फ्रेम और इन आर्टिकल, ठीक है। अब मुझे इनको ऑन करना है, सबसे पहले ऑन करना है। जैसे कि मान लीजिए इन टेक्स्ट पे चलते हैं, इन टेक्स्ट में जो है मेरी एड्स ऑन नहीं है, यहाँ पे टर्न ऑन इन टेक्स्ट एड्स फॉर वुमेन फैट बर्न टिप्स डॉट कॉम, मतलब जो भी आपका ब्लॉग या साइट है उसके लिए इसको टर्न ऑन करना है या नहीं, यहां से आप कर सकते हैं। यदि आपको टर्न ऑफ करना है तो आप बाद में इसको मतलब जो है टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐड फॉर्मेट नहीं लगाना है या ऐड को डिसेबल करना है किसी कारण से, तो यहां से आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो यहां से मैं इसको एनेबल कर देता हूं, ठीक है। बाकी यहां पे एक और ऑप्शन होता है, अप्लाई दी सेटिंग्स टू ऑल ऑफ योर वेबसाइट्स। अगर आपकी एक से ज्यादा वेबसाइट्स हैं तो आप एक ही जगह से सब पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए क्योंकि अलग अलग साइट पे आपको लगता है कि इस तरह की एड लगानी चाहिए या कुछ भी, तो आप साइट वाइज इसको जो है सेटिंग कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि एक साइट के लिए
एक जगह से, ठीक है, क्योंकि कई जगह हम चाहते हैं कि हमें मतलब इन टेक्स्ट ऐड ही चाहिए, कई जगह हमें इन आर्टिकल ही चाहिए, कई जगह हमें इन फोल्ड ही चाहिए, तो मतलब वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो यहाँ से इसको टर्न ऑन कर लीजिए और सेव कर दीजिए, ठीक है, आपकी जो है इन टेक्स्ट ऐड जो है मतलब जो है ऑन हो गई। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए आपको इनफोल्ड भी करना है इसमें, तो इनफोल्ड ऐड के लिए भी आपको इनफोल्ड के ऑप्शन पे जाके टर्न ऑन इनफोल्ड एड्स, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको इन टैग भी करना है तो इसको भी आप टर्न ऑन कर दीजिए, ठीक है, सेव हो गया। इसके बाद इन फ्रेम करना है, इन फ्रेम को थोड़ा मैं मतलब जो है इग्नोर करता हूँ, क्योंकि कई बार से साइट का डिजाइन जो है बिगड़ जाता है, अगर आपकी साइट का जो विड्थ है वो छोटी है तो ये एड फॉर्मेट आपके लिए सही है, बट यदि आपकी विड्थ थोड़ी ज्यादा है मतलब फुल स्क्रीन में आपकी वेबसाइट आ रही है तो ये आपकी साइट के मतलब जो है डिजाइन को बिगाड़ देता है, इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन इसको आप यहाँ से टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप कर सकते हैं, आप देख लीजिए अगर आपकी साइट पे अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं नहीं कहूंगा कि सबको आती है लेकिन कुछ एक साइट्स में आती है, तो यहाँ से आप इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं उसी तरह से जैसे कि औरों को किया। और इस तरह से अब अगले हैं इन आर्टिकल मतलब एड फॉर्मेट, ठीक है, इसको भी वैसे ही करते हैं, इसको भी टर्न ऑन आर्टिकल एड्स फॉर योर ब्लॉग जो भी है, ठीक है, तो सेव हो गया। इस तरह से आपने जो है अपने सबसे पहले आप कस्टमाइज ऑप्शन में गए, फिर आपने अपनी साइट को चूज किया, अगर सिंगल है तो वही आएगी, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा है तो आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद पांच ऐड फॉर्मेट हैं, इनको जो है टर्न ऑन करना है जो जो आप करना चाहें, अगर आप इसमें से दो ही ऐड फॉर्मेट्स ऑन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, चार करना चाहते हैं, पाँचों करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, तो यहाँ से टर्न ऑन करना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आपकी साइट पे जो है मतलब ये एड्स आना शुरू हो जाएंगी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एड्स जो है दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है, आपने टर्न ऑन कर दिया है और अगर कोई दिक्कत है तो उसको भी फिक्स करना है, ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि एड्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आपने टर्न ऑन कर दिया है, तो एड्स लगी हैं या नहीं, या प्रॉपरली प्लेस हो गई हैं या नहीं, इसको देखने से पहले मैं दो चीज़ें इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेट करना चाहूँगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंटीग्रेशन मुझे लगता है कि करना चाहिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए इन टेक्स्ट ऐड है, इसमें इंटीग्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब जो है आप लिंक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, 1 से 12 लिंक जो है जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपका पैराग्राफ है या जो भी टेक्स्ट है उसके बीच में 1 से 12 लिंक्स जो है ये दिखाई देंगे, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा यदि आप चाहें तो इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप 4 कर दीजिए, ठीक है, और 12 भी कर सकते हैं, यदि आपका मतलब जो आर्टिकल है बहुत बड़ा है तो आप 12 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि 4-5 तक ही आप इसको रखें, या मान लीजिए 6 कर लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए मतलब सही रहेगा, अगर आपका आर्टिकल थोड़ा छोटा है तो आप इसको 3-4 तक ही मतलब जो है सीमित रखिए, तो इस तरह से आप मतलब टेक्स्ट के मतलब जो भी आपका आर्टिकल है उसके टेक्स्ट के बीच में जो लिंक्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, और जैसे मैंने यहाँ पे 3 की सेटिंग कर दी, बाकी इसके अलावा स्टाइल है कि आपको इस तरह से डॉट आना चाहिए नीचे या फिर मतलब दो लाइनें आनी चाहिए नीचे डाउन में, और कलर कौन सा रखना है ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, तो इसको फिर से सेव कर दीजिए जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं। इन फोल्ड में थोड़ा सा मतलब इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट या मिडल है, लेकिन ज्यादातर ये मिडल से ही आता है इस तरह से, ठीक है, बाकी आपने टर्न ऑन कर दिया है वो ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। इन टैग है, इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसको ऑटोमेटिक करते हैं, जैसे सपोज हम इसको ऑटोमेटिक करते हैं तो ये मतलब जो है अप या डाउन में आ जाएगा, लेकिन कई बार क्या होगा कि ये सही जगह नहीं आएगा, इसलिए मैं कहूंगा कि इसको मैनुअली आप जरूर इंटीग्रेट करें, ठीक है, यहाँ से मैनुअल करके यहाँ से कोड लेके अपने जो भी पेज है आपका उसका टॉप और एंड में जो है इसको इंसर्ट कर दीजिए, उससे क्या होगा कि ये पेज के टॉप और एंड में प्रॉपरली आ जाएगा, अदरवाइज अगर आप इसको ऑटोमेटिक करते हैं तो ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, मतलब सही पोजिशन पे नहीं आएगा, मैं चाहूंगा कि पेज के टॉप और एंड में ये आए, ठीक है,
और तो ये ज्यादा बेटर लगेगा। बाकी इसके अलावा इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, बाकी आप दोनों तरीकों से देख लीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं मैनुअली इसको प्रेफर करूंगा। बाकी इसके अलावा नंबर ऑफ लाइंस जो है, जैसे कि एड्स हैं, उसकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, यदि आप टू करते हैं तो टू होंगी, जैसे कि मान लीजिए दो आ रही हैं, दो लाइनें आगे, अगर आप वन करते हैं तो एक आएगा, तो ये आपकी मर्जी है कि वन करनी है कि टू। बाकी लिंक कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके कोड को जो है हम यहाँ पर डालकर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एक पोस्ट है, ठीक है, इसमें जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे पेज के टॉप में और एंड में, ठीक है। मैन्युअली करने से जो है आपका ये मतलब जो है एड्स जो है प्रॉपर सही तरीके से आएंगे, अगर ऑटोमेटिक करते हैं तो थोड़ा कई बार गड़बड़ आ जाती है, ये वाला स्पेशली इन टैग के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। इन टैग्स प्रॉपर आ जाती है, इन फोल्ड प्रॉपर आ जाती है, बट इन टैग में थोड़ा सा है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको मैनुअली कर लें। तो जैसे कि हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पर आपको एडिट एचटीएमएल में जाना है और यहाँ पे आपको टॉप में इसको लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पे लाइन ब्रेक दे दीजिए एक, और इसी तरह आपको ये नीचे भी लगा देना है, ठीक है, यहाँ भी एक लाइन ब्रेक दे सकते हैं आप, ठीक है, और अपडेट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये हो गया। बाकी इसके अलावा इन फ्रेम ऐड है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि वो आपके राइट और लेफ्ट साइड से दोनों साइड से आती है जिस तरह से आपको दिखाई दे रही है, और इसको टर्न ऑन ही करना होता है और सेव करना होता है, इसमें कोई सेटिंग की जरूरत नहीं है। बाकी इन आर्टिकल है, इसमें आपको अगर इन आर्टिकल ऐड जो है अपने आर्टिकल्स में चाहिए तो आपको ये कोड जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर फिर से आपको जो है एडिट एज एचटीएमएल जाना है और यहाँ पेज के बीच में कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। सपोज मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, और इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो है इन टेक्स्ट में आपको सिर्फ मतलब नंबर ऑफ लिंक्स जो है आपके टेक्स्ट में आएंगे उसको कंट्रोल करना है, और यहाँ पे किस तरह से इसको दिखाना है, कौन सा कलर देना है, स्टाइल कौन सा देना है, तो आप देके सेव कर सकते हैं। और टर्न ऑन तो आपको सभी एड्स को करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इन फोल्ड में कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको टर्न ऑन करना है। और इन टैग में जो है आपको आप इसको ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं और मैन्युअली भी चला सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, बाकी मैं मैन्युअली सुजेस्ट करूंगा, बाकी इस तरह से ये दिखेगा, बाकी इसको टर्न ऑन करना है, बाकी इसके अलावा जो है नंबर ऑफ लाइंस और इसका कलर जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है, बाकी सेव करना है। बाकी इन फ्रेम में भी कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ टर्न ऑन करना है, और इन आर्टिकल है इसमें भी आपको टर्न ऑन करना है, लेकिन इसमें आपको जो है ये वाला जो कोड है ये अपनी साइट में मिडल ऑफ मिडल इन द आर्टिकल जो है आपको इसको ऐड कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों जो है सबसे पहले आपने एड्स को ऑन करना है, उसके बाद दो तीन एड फॉर्मेट्स ऐसे हैं जिनको आपको थोड़ा सा मैनुअली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें जो है थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी या मैनुअली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ज़्यादातर इन टैग और इन आर्टिकल है, बाकी इन टेक्स्ट में जो है यहीं से मतलब सेटिंग करनी है, बाकियों में टर्न ऑन ऑफ ही है, यदि आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन करेंगे, यदि ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरी तरह इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो एड्स हैं वो आना शुरू हुई या नहीं हुई, या किस तरीके से वो दिखाई दे रही है, यदि कोई उसमें कोई कमी रहेगी होगी तो हम सेटिंग कर लेंगे, और यदि आपको लगता है इसके बाद ये यहाँ कहीं कोई कमी रह गई तो उसको आप थोड़ा ठीक कर सकते हैं, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं कुछ भी है, लेकिन ये इंटीग्रेट हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए साइट पे देख लेते हैं कि साइट पे ऐड प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है या नहीं।
तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ अपने ब्लॉग के पेज पे देख पा रहे हैं, ये हमारी इन टैग एड्स हैं, ये पेज के टॉप में और पेज के एंड में प्रॉपरली लगी हुई हैं। ठीक है, बाकी आप इसको ज्यादा कस्टमाइज जो है अपने इन्फोलिंक अकाउंट के अंदर कस्टमाइज ऑप्शन से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो दो लाइनें आनी चाहिए या एक ही आनी चाहिए, या इसका कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो आप वो अपने मतलब जो है इनफोलिंक अकाउंट के अंदर से कस्टमाइज कर सकते हैं। पर वैसे ये पेज के टॉप और एंड में जो है प्रॉपरली लग चुकी हैं, और ये इन टैग एड्स हैं, इन टैग एड फॉर्मेट है। बाकी इसके अलावा जैसे इन आर्टिकल है, ये आर्टिकल के बीच में आता है, जैसे कि ये दो पैराग्राफ का आर्टिकल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके बीच में ये आ जाएगा, मतलब मिडल में आएगा ये लगभग। और बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन जो है ज्यादातर ये मिडल में आता है। ठीक है, तो ये इन आर्टिकल एड है, ये इन टैग है, ये इन आर्टिकल है। और जैसे कि इन टेक्स्ट एड्स का जो है वो यहाँ पे आपको दिख रही है, अवेलेबल दिख रहा है, ये इन टेक्स्ट एड है, इन टेक्स्ट एड है। ठीक है, ये इन टेक्स्ट एड है। तो इस तरह से मतलब जो है ये अपने हिसाब से फिक्स कर लेगा इसको। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल छोटा है इसलिए मतलब ये बहुत इकट्ठा इकट्ठा आ रहा है, इसलिए आर्टिकल बड़ा हो तो उस हिसाब से जो है आप एड्स को लगाएं, ताकि आपका पेज हॉच पॉच ना हो। ठीक है, इन टैग लगा दीजिए, ये बहुत बढ़िया एड फॉर्मेट है, और इन आर्टिकल लगा दीजिए। बाकी इन इन टेक्स्ट एड्स को जो है आप कंट्रोल रखिए। अगर आपका आर्टिकल बड़ा है तो आप 12 तक कर सकते हैं मैक्सिमम, मैंने 3 ही किया है, तो 3 यहाँ पे लिंक्स जो है आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये इन टेक्स्ट एड यहाँ पर लग चुकी है, और इन टैग भी लग चुकी है, और इन आर्टिकल भी। बाकी जैसे कि है इन फ्रेम एड जो है फॉर्मेट है, उसे मैं ज्यादातर अवॉइड करता हूँ, कि अगर मैं यहाँ लगाऊंगा भी तो मेरी साइट की विड्थ ज्यादा है। अगर आपकी विड्थ कम है जैसे कि मैंने कहा है, तो वो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे विड्थ ज्यादा है, तो यहाँ पे ये बहुत मतलब अजीबो गरीब लगेगा, या इसके साइज मतलब जो है इसके डिजाइन को जो है ये डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए उसको ऑन करके। ठीक है, यदि वो आपके साइट पे प्रॉपरली काम करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो उसे ऑफ कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी वेबसाइट से एड्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी अब इन फोल्ड एड्स कहाँ हैं, तो अभी इसको रीलोड करते हैं, तो इन फोल्ड एड भी आएगी इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ से नीचे से, ठीक है, मतलब मिडल ऑफ द फूटर कह सकता हूं मैं, तो मिडल से ये एड ऊपर की तरफ आती है, ये इन फोल्ड एड है। ठीक है, और इस तरह से जो है आप अपनी मतलब इनफोलिंक जो है ब्लॉग या वेबसाइट है उसको इनफोलिंक अकाउंट के साथ इंटीग्रेट करके, या उनके मतलब जो भी एड है उनको चला सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब पांचों फॉर्मेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, कि सबसे पहले इन्फोलिंक और वर्डप्रेस ब्लॉग को इंटीग्रेट करने का, फिर पांच जो एड टाइप्स हैं उनके बारे में, और उसका किस तरह से ऑन ऑफ करना है, किस तरह से उसको इंटीग्रेट करना है, या क्या सेटिंग्स करनी है। उसके बाद अभी मैं हम देख रहे हैं कि ये इंटीग्रेट हो भी चुकी हैं, और जब भी आप इन्फोलिंक एड को जो है मतलब ऑन ऑफ करें, तो कई बार अगर यदि आपको मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ऑन कर दिया है वहां से, और यहाँ एड नहीं दिखाई दे रही है, तो आप मैं ये सुजेस्ट करूंगा कि 10 से 15 मिनट जरूर वेट करें। ठीक है, मैक्सिमम 15 मिनट तो वेट करें, और मिनिमम ये क्विकली भी हो जाता है, लेकिन कई बार थोड़ा सा समय लेता है। जैसे कि आपने नई सेटिंग से अप्लाई की, तो नेचुरली है कि वो 5-10 मिनट ले सकता है उसको मतलब जो है डिस्प्ले करने के लिए या चेंज करने के लिए। ठीक है, और 10-15 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मतलब कभी अगर क्विकली ना हो तो टेंशन मत लीजिए, आप वेट कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप हो जाएगा, तो थोड़ा समय ले सकता है कई बार, वैसे कई बार इंस्टेंटली कर देता है, जैसे कि अभी आपने देखा कि इंस्टेंटली हो गया, कई बार 5-10 मिनट ले लेता है नई सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको एड फॉर्मेट्स लगाकर भी दिखाए, और इसका डिस्प्ले भी आप देख रहे हैं, तो इस तरह से आप एड्स लगा सकते हैं, और इन फ्रेम एड को जो है आप अपनी सुविधा के अनुसार लगाएं, और उसको मैं ज्यादा सुजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी ये चार एड फॉर्मेट हैं, इन फोल्ड, इन टैग, इन टेक्स्ट और इन आर्टिकल, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। और मैं ये जरूर सुजेस्ट करूंगा आपको कि बड़े अपना आर्टिकल जो साइज जो है आपका उसको थोड़ा बड़ा रखिए, क्योंकि अगर आप बड़ा रखेंगे तो आपकी एड्स जो है जैसे यहाँ पे इकट्ठे आ रही है ना, जैसे मतलब इन टैग भी आ गई, इन टेक्स्ट आ गई, इन आर्टिकल आ गई, तो मतलब ये बहुत छोटा आर्टिकल है, तो ये मतलब थोड़ा वो लग रहा है,
ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल को थोड़ा बड़ा रखिए, और यदि आपका आर्टिकल छोटा है तो थोड़ा एड्स को कम कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एड्स होंगे तो लोग, आपका जो कंटेंट है वो दब जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है अपने वर्डप्रेस ब्लॉग या साइट को जो है इन्फोलिंक अकाउंट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसके जितने भी एड फॉर्मेट्स हैं उनको अपनी साइट में मतलब एम्बेड कर सकते हैं, और उन एड्स को जो है अपने व्यूअर्स को दिखाकर अर्निंग कर सकते हैं। तो कैसे इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यही इस वीडियो का टॉपिक था, और वो मैंने आपको बताया और करके भी दिखाया स्टेप बाय स्टेप। और इसके अलावा आपको एड्स प्रॉपरली लग चुकी हैं तो वो भी मैंने आपको दिखाया। तो बाकी जो भी जानकारी इसके बारे में थी और किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेट कर सकते हैं वो पूरी तरह इसमें दिखाया है। तो आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा, और आप इस प्रोसेस को करके एड्स जो है अपने वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट पर लगा के, या फिर आपकी नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट भी है तो भी आप इसमें उसमें लगा के इन्फोलिंक को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इन्फोलिंक एड्स को अपने वर्डप्रेस ब्लॉग या साइट पे, और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों कमेंट ऑप्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और कमेंट जरूर करें ताकि हमें आपकी फीडबैक पता चले और हमें मोटिवेशन मिले और ज्यादा बेहतर वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स दोस्तों, सो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब वाइस वर्डप्रेस गुरु।